इंडियन व्हीकल सिमुलेशन 3D गेम में अगर आप भी अपनी व्हीकल के अगले टायर्स को उठाना चाहते हो या फिर ट्रैक्टर्स के अगले वाले छोटे छोटे टायर्स को उठाकर ये स्टंट दिखाना चाहते हो अपनी वीडियोस को क्रिएट करते समय, तो ये चीजें कैसे की जाती हैं? तो सबसे पहले तुम लोगों को कोई एक ट्रैक्टर चूज कर लेना है। अब तुम लोगों को कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है, मॉडिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्टंट मोड को इनेबल कर देना है, इसके ऊपर टिक मार देना है। जब ये हो जाता है तुम लोगों को फिर ऑप्शंस में जाना है, जहां पर आप लोगों को सिमुलेशन देखने के लिए मिलेगा यहां पर एक बॉक्स में, उसके ऊपर टैप करना है। अब वहां पे सिलेक्ट करना है तुम लोगों को फंड, और उसके साइड में जो सेलेक्ट बटन है इसके ऊपर क्लिक करके इस प्रोसेस को यहां पर एंड कर देना है। अब इन दोनों चीजों को करने के बाद जैसे ही तुम लोग एक्सीलेटर के ऊपर बटन दबाते हो तो तुम्हारा ट्रैक्टर का टायर मजे से उठने लग पड़ा है। हाँ, इस वाले ट्रैक्टर में थोड़ा कम ही दिखा रहा है, लेकिन कोई और ट्रैक्टर के ऊपर अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो वो वहीं पर ही स्टेबल रहेगा और तुम लोग ऑटोमेटिकली रेस देते रहो, और वो ट्रैक्टर अगर रुक भी जाएगा तभी भी वो नीचे नहीं आएगा। उसे तुम्हें नीचे लाने के लिए ये हैंड ब्रेक वाले के ऊपर क्लिक करना है, तुम्हारा ट्रैक्टर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और ये थी एक छोटी सी ट्रिक जिससे तुम लोग ये चीज कर सकते हो। थैंक यू।